ये हमारे चाचा को ये कहते हैं कि ये मटन है और बड़े प्यार से उंगली डाल डाल के कह रहे हैं कि इसके बीच में मटन है, ये नहीं मान रहे थे। और ये आपने खाया और खाने के बाद आपने पूछा कि ये मटन है हाँ या बीफ है हाँ है ना हाँ। और ये निकला क्या? ये निकला बैंगन। दो दोस्त हम लोग, मैं और मेरा दोस्त अमार, और तीसरे का इंतज़ार, और उसके बाद फिर बस डिनर एक अफ़गानी रेस्टोरेंट में, और बस कल वापसी। यही कहना था एक्चुअली आप लोगों से। चलिए मिलता हूँ थोड़ी देर में। आज का लंच बरकोस में, और बड़ी कंफ्यूजन हो रही थी खाना क्या है। देन वी थॉट विल ऑर्डर अ सिज़लर। और ये क्या है हमारा हाँ करेक्ट, दिस इज फेवरेट स्पाइसी चिकन स्टीक सिज़लर। देखने में बड़ा यम्मी लग रहा है और भूख बहुत तेज़ लगी है। तो मैं अब खाता हूँ खाना, और शाम को एक अफ़गानी रेस्टोरेंट कवर करेंगे, वहाँ मज़ा आएगा, वो दिखाऊंगा। शाम को 6 बजे सिलेक्ट सिटी वॉक, और एक बहुत अमेजिंग चीज़ मैंने देखी। हमारे टाइम पे कैफ़ेज़ नहीं होते थे, बट होता था ये निरुलास, जो बहुत टाइम बाद मुझे दिखा है। पता करना पड़ेगा ये फ्रेंचाइजी है या क्या है, बट विम्पीज़ और निरुलास दो बड़े फेमस पिज़्ज़ा और बर्गर जॉइंट्स होते थे, जो अब बहुत टाइम से बंद हो गए थे। सिलेक्ट सिटी दिखाता हूँ। DLF प्रोमेनेड था पहले, अब क्या नाम है इसका? आर्केड। ये हमारे चाचा मतोले साहब, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मास्क तो उतारे? नहीं नहीं, मास्क 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 कोविड टाइम, कोविड टाइम। वैसे भी दिल्ली में पोल्यूशन इतना, मास्क पहन के रखना। DLF और सिलेक्ट सिटी वॉक इतने सुंदर लगते हैं, स्पेशली दिसंबर जनवरी में। मैं जब भी दिल्ली आता हूँ, चाहे किसी भी काम के लिए आऊँ, आई मेक इट अ पॉइंट टू विजिट दिस प्लेस एटलीस्ट वंस। और फिर बात वही आ जाती है, लाइट्स, जो मुझे बचपन से अब तक अपनी तरफ आकर्षित करती है, चाहे वो गोवा की लाइट्स हो, और फिर चाहे सिलेक्ट सिटी वॉक की, चाहे दिवाली की। लाइट्स आर ऑलवेज ब्यूटीफुल। मॉल के अंदर घूमने का मुझे इतना मज़ा नहीं आता जितना मज़ा मुझे बाहर घूमने में आता। इतने बड़े बड़े ये लॉन्स हैं, जो शायद आजकल बंद कर रखे हैं, लेकिन सर्दियों में अगर आप यहाँ पे थोड़ी देर भी बैठें तो विटामिन डी बड़ा अच्छा मिल जाता है। लाइट्स, जितना बोलूँ ना लाइट्स के बारे में, उतना कम लगता है मुझे, क्योंकि ये लाइट्स मुझे अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, किसी भी तरह की लाइट्स हों। वाओ। और ये सिलेक्ट सिटी वॉक। हम एक अफ़गानी होटल में बैठे हैं और अफ़गानी खाना खा रहे हैं आज हम, और खाते खाते जो कॉमेडी भी मैं आपको बता नहीं सकता। ये है अफ़गानी नान, ये कोयले के ऊपर नहीं। हाँ हाँ, ये हमारे चाचा को बोले, ये कहते हैं कि ये मटन है, और बड़े प्यार से उंगली डाल डाल के कह रहे हैं कि इसके बीच में मटन है, ये नहीं मान रहे थे। और ये आपने खाया और खाने के बाद आपने पूछा कि ये मटन है हाँ या बीफ है हाँ है ना हाँ। और ये निकला क्या? ये निकला बैंगन। ये पहला आदमी एक सेकंड ये पहला आदमी मैंने देखा है जो बैंगन को बड़ा कन्विंसिंगली कहता है कि ये मटन है। और ये मैंने पहला आदमी देखा है जो बैंगन को मटन खाने के बाद भी ये नहीं कहता कि ये बैंगन है। बैंगन हाँ रद्द हो गई है। पर ये मटन का कौन सा पीस हो सकता है? चिकन की भी इतनी पतली टांग तो नहीं होती। ये मटन का ना लेग पीस हो सकता है। अरे भाई बीफ डालनी पड़ेगी यार ब्लॉग बनाने। अच्छा ये बोल रहे हैं दुबई का पानी है, ये बोल रहे हैं दिखाया कहाँ दुबई में कहाँ बना हुआ? हाँ एल्बियन। नहीं नहीं ये बोल रहे हैं इनकी तरफ कहाँ पे है? ये डिस्ट्रिक्ट सोनीपत दिख रहा है मुझे दुबई में। नहीं वो उनको दिखाई ये बोल रहे हैं दुबई वाले। कैमरा तो मोड़ो। ये बोल रहे हैं दुबई का पानी। दुबई का पानी हाँ दुबई का। ये पी लेंगे आप? हाँ पानी ये है अल हफ बिल्डिंग नियर बुर्ज खलीफा। नियर बुर्ज खलीफा। M2K मॉल पीतमपुरा दुबई। सोनीपत सोनीपत डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। M2K मॉल पीतमपुरा दुबई। हाँ हाँ अकबरपुर बाटोला खसरा नंबर 92 दुबई। दुबई का एक है मटन कबाब। ये नहीं लेनी ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। भैया दोबारा बोले। ये दही है। दही को छुआ अपने हाथ से। इनको लग रहा है ये दही है। आप छुओ ना उंगली से। पहले तो बैंगन का इन्होंने बनाया बटन और ये दही है। अब ये दही कहाँ है मैं समझ नहीं पा रहा। दही इनकी दही में उंगली डाल। फिर इन्हें फोकस करो दही में उंगली डाल। दही में उंगली इनको डालो दही में। दही में उंगली डाल के देखा इसने। हाँ ये दही है। ये दही है। खीरा दही में डुबो के करे हो। हाँ जो लोग इस तरह ब्लॉग देखेंगे ना हाँ वो सोचेंगे ये पी के ना पागल हो रखे। अरे यार कैसी बात कर रहे हो सूफी। अच्छा दही के बारे में घर जाने का टाइम और कल वापस अपने शहर मुंबई। अपना शहर दिल्ली भी है बट कल मुंबई। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।